गाइस माय नेम इज योगेश एंड वेलकम टू आवर YouTube चैनल लेट्स लर्न। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर 10th। तो दोस्तों अभी आपने एग्जाम दिए हैं और आपका रिजल्ट आने वाला है या आ चुका है, जो भी है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी 10th एग्जाम दिया है कि 10th के बाद कौन से स्ट्रीम चूज करें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें। तो मेरी एक सलाह आज के इस वीडियो में, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है और कंप्लीट वॉच करनी है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। जैसे आपके टीचर ने बोला होगा, आपके पेरेंट्स ने, आपके दोस्त ने बोला होगा कि भाई तुझे जो इंटरेस्ट है, अगर तुझे मैथ अच्छी लगती है, गुना भाग घटा, अगर तुझे टफ वर्क अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अच्छा लगता है, कैलकुलेशन तुझे बहुत अच्छा लगता है, तो तू मैथ ले लियो, तू कॉमर्स ले लियो। कोई कहता है भाई अगर तुझे थ्योरेटिकल अच्छा आता है, तुझे थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, तुझे लिखना अच्छा लगता है, तो तू आर्ट ले लियो। तो और कोई कहता है कि तुझे भाई अगर तुझे साइंस वाली चीज़ पसंद है तो तू साइंस ले लियो। तो दोस्तों ऐसे तरह तरह की बातें तो हम बहुत बार सुनते हैं। हर कोई ऐसे कहता है कि अपने इंटरेस्ट के मुकाबले लो, अपने इंटरेस्ट के मुकाबले लो, कॉमर्स ले लोगे, अकाउंटेंट बन जाओगे, तुम लाखों कमाओगे, सीए बन जाओगे, लाखों कमाओगे, सीएस कर लोगे, इतने कमाओगे, है ना। तो दोस्तों तो बस मेरी एक यह सलाह है कि आप दोस्तों 10th अगर आपने एग्जाम दिया है और आपको चूज करना है कि आपको क्या लेना है, तो सबसे पहले दोस्तों एक काम करना है, ठीक है। पहला होता है दोस्तों इंटरेस्ट, ठीक है, जो तुम्हें पसंद है, इंटरेस्ट है। अगर आप सच्चे में वाकई में अगर आपको साइंस पसंद है, आप एक दिन में 3-4 बार साइंस को देखते हो और आपको सच्चे में साइंस अच्छी लगती है, तो और आपको अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप साइंस लो, ठीक है। और साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो होता है ये डिपेंड करती है आपके मार्क्स पे भी। अगर दोस्तों आप पढ़ने में दोस्तों एवरेज हो, पढ़ने में आप अच्छे नहीं हो, पढ़ने में दोस्तों आप डल हो और आप सोच रहे हो कि मैं तो साइंस लेके आज मैं कॉलोनी वालों को दिखा दूंगा, मैं अपने टीचर को दिखा दूंगा, अपने दोस्त को दिखा दूंगा, तो दोस्तों ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी। तो मार्क्स पर डिपेंड करता है। तो पहला काम आपको दिखावे में बिल्कुल भी नहीं स्ट्रीम चूज करनी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों दिखावे में ले लेते हैं स्ट्रीम, वो सोचते हैं कि यार अगर मैं आर्ट्स ले लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग बोलेंगे यार मैं पागल है, आर्ट्स रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मैं आर्ट्स ले लूँगा तो मेरे घर वाले कहेंगे तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तू कुछ बन नहीं पाएगा, आर्ट्स में क्या है, आर्ट्स में कोई स्कोप ही नहीं है। तो तरह तरह की इस तरह की बातें होती हैं। हम दोस्तों हम ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस में। तो ये चीज़ आपको समझना है, आपको अपना दिमाग का उपयोग करना है कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों बेस्ट स्ट्रीम है, कहीं पर भी डिफरेंस नहीं है। तो दिखावे मतलब कि अगर आप सोच रहे हो अगर आप किसी कर्ज में फंसे हुए और आप सोच रहे हो कि पूजा ने कॉमर्स ले रखी है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, है ना, उसने साइंस ले रखी है तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो उसके एबिलिटी पे डिपेंड है कि वो पढ़ने में तेज है तो उसने तभी लिया है। आप किसी के दिखावे में, किसी के बहकावे में, किसी कर्ज के चक्कर में ऐसे उठपटक हरकतें करके बिल्कुल भी स्ट्रीम ना चूज करें। तो मेरी एक सलाह है कि आप 10th के बाद पहले तो अपना इंटरेस्ट चेक करें कि आपको वाकई में पसंद है, आपको वाकई में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, आपको मैथ अकाउंट बिजनेस लाने में मज़ा आता है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो दोस्तों आप कॉमर्स ले लो। अगर आपको आर्ट्स पसंद है तो आप आर्ट ले लो, डिपेंड ऑन यू। बस दिखावे में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आपके पेरेंट्स भी सही में तारीफ करते हैं, तो आपको ये सोच के आप अपने हिसाब से लो, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी मत लो। आज तो दोस्तों सब चीज़ का सपोर्ट होता ही है। तो दोस्तों अब बात करता हूँ दूसरा काम की। दोस्तों जब भी आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस जब भी चूज़ करो, तो पहला जैसे मैंने बताया था डिपेंड ऑन यू, इंटरेस्ट के मुकाबले आपको होता है इंटरेस्ट। और दूसरी बात कि जब भी आप आर्ट्स या कॉमर्स साइंस आपके जब मार्क्स आ जाए, आपके मार्क्स अच्छे मार्क्स आ जाएँ, फिर आप प्रेफरेंस करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको थ्योरेटिकली, एक होता है दोस्तों थ्योरेटिकली, एक होता है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको प्रैक्टिकली सोचना है। अगर आप कॉमर्स कर रहे हो तो आपको उसके पूरे बारे में डिटेल पता होना चाहिए कि सीए कैसे बनते हैं, कितने एग्जाम होते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आप ये तरह की वीडियो YouTube पे देख सकते हो कैसे करें, कैसे कंप्लीट करें। तो दोस्तों आप जो आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, तो पहले इन सब चीज़ के बेनिफिट, इनके लॉस, एकदम रियलिटी सच्चाई को पहले समझ लें, ठीक है। दोस्तों चूज करने से पहले इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि आप उस चीज़ पे क्यों, जो आपको जो वाई होना चाहिए कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं कॉमर्स ही क्यों लिया, मैं साइंस क्यों नहीं लिया, मैं आर्ट्स ही क्यों नहीं लिया, मैं कॉमर्स क्यों लिया। तो दोस्तों ये चीज़ आपको चूज़ करना है कि आपने ये चीज़ क्यों ली है। और अगर आपको इसका आंसर पता होगा क्यों का, तो दोस्तों आपने 100% सही चूज़ किया है। आपको बस अपना वाई पता होना चाहिए, आपको अपना वाई स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों थ्योरेटिकली बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं साइंस ले लूँगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो मैं इतने लाख रुपए कमाऊँगा, मैं कॉमर्स ले लूँगा सीए बन जाऊँगा तो इतने लाख रुपए कमाऊँगा, आर्ट्स बन जाऊँगा तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ का सच्चाई पता होना चाहिए, हर चीज़ की रियलिटी पता होना चाहिए कि आफ्टर
कॉमर्स आफ्टर बीकॉम हम क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है, तो सारे स्कोप आप सर्च करो, सारे बेस्ट कोर्सेज सर्च करो, इसके बेनिफिट, इसके लॉस, हर चीज़ दोस्तों गूगल पे अवेलेबल है। आपको कहीं पे ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं, आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आप इतना कर सकते हो, बस आपको थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली समझना है। अगर हम कोई चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं तो हमें उस चीज़ के सक्सेस के पीछे राज भी हमें पता होना चाहिए, उसमें मेहनत कितनी लगती है। तो दोस्तों कॉमर्स आर्ट्स साइंस जो भी आप स्ट्रीम चूज करना चाहते हो उसमें उसकी मेहनत, उसके जो प्रोसेस, उस चीज़ को समझें और अपने अकॉर्डिंग, अपने डिपेंड, तुम पे डिपेंड करता है आप क्या लोगे। तो किसी के बहकावे पे बिल्कुल मत लो, दिखावे पे बिल्कुल मत लो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।